आर सिद्दीकी और मैं कॉर्पोरेट वीडियोस बनाता हूँ एंड वेलकम टू 2019। इस साल का मेरा जो रेजोल्यूशन है वो है कि तमाम नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से पुश आउट करना, जो कि ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। दूसरा रेजोल्यूशन था कि हेल्थी डाइट, हेल्थी लाइफस्टाइल, रोजाना भागना दौड़ना और ये सब। तो ये रेजोल्यूशन बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि इस वक्त मैं हूँ एट दी कराची ईट। इतने मजे मजे के यहाँ स्टॉल लगे हुए, इतनी लंबी लंबी लाइन है। एक लाइन में एक साहब लगे हुए थे जो कि मेरे ख्याल में डबल यूं 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 जाके लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, ये जिसकी लाइन में लगे हुए आपने इसका कभी बर्गर ट्राई किया है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुड लक फिर आपके 1.5 घंटों की, मतलब एक लंबी लाइन लगी हुई है, लोग उसमें लगे जा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि वो मिलेगा कैसा, आपका 1.5 घंटा कहाँ जाएगा। और यहाँ पर हर स्टॉल पे इसी हिसाब से रश है, बेइंतहा लोग यहाँ पर आए हुए। और फिर एक स्टॉल मुझे नजर आया जिससे बिल्कुल रश नहीं था और वो था गन्ने के रस का। मैंने कहा यार देखो भला बताओ, हर रोड पे हर किनारे पे मिलने वाला कराची ईट में नहीं लेंगे? मैंने कहा मैं पीऊंगा गन्ने का रस। मैं गन्ने के रस के पास गया, मैंने कहा यार मुझे एक ग्लास दे दे। कहने लगा अच्छा। उसने ग्लास बनाया, मैंने कितने कह रहे 250 का। देखो बेटा तुम कराची ईट में आए हो, तुम किसी, मुझे तो इनफैक्ट कोई एग्जाम्पल भी नहीं मिल रही कि तुम वहां आए हुए जो इतना चार्ज करो, मतलब गन्ने के रस का 250 रुपए ना, ये सही रहेगा? बेटा तुम कराची ईट में आए हो, जंबावे में नहीं आए हुए कि जितना दिल चाहे तुम चार्ज कर लो और लोग दे देंगे 250 रुपए का? मैंने कहा राख। एक चीज से मैं बहुत ज्यादा घबराता हूँ वो है रश। तो मैं इन लाइंस में लगना चाह भी रहा हूँ, मतलब खाना चाह रहा हूँ लेकिन खा नहीं पा रहा, लग नहीं पा रहा, क्योंकि इतने रश से ना मुझे बड़ी कोस्ट होती है। रश में मुझे सिर्फ एक चीज इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे नहीं पता आप लोग में से कोई ये चीज करता होगा नहीं करता होगा, लेकिन मैंने लोगों की बातें बड़े गौर से सुनता हूँ। तो एक लड़की दूसरे पता नहीं किसी लड़के से कह रही थी मूंछों में सरसों का तेल। देखिए इतना अच्छा रिव्यू करना तो मुझे नहीं आता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कराची ईट के अंदर हाशमानी हॉस्पिटल का क्या काम है। लेकिन जब आप यहाँ आई गए हैं और ये फ्री में चेकअप कर रहे हैं, करवा लेते। गुड न्यूज इज कि मेरी आंखें 6x6 हैं। ये आज से 5 साल पहले कुछ लोगों को पता होगा कि मैं बहुत मोटा चश्मा लगा था, लेकिन मैंने उसका लैसिक करा लिया था और लैसिक के बाद से मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो नॉट थैंक्स टू हाशमानी, मैंने आ खान से कराया था। एरियल ने इतना बड़ा स्टॉल लगा हुआ, मैं इनके स्टॉल पे गया, मैंने कहा मुझे गेम खेलना है। कह रहे हैं सिर्फ लेडीज के लिए। मैं चैलेंज मैं भी खेल सकता हूँ एरियल का? हाँ ये लेडीज के लिए। What a sexist thing to say in 2019. मतलब मर्द क्या घरदारी में हिस्सेदार नहीं हो सकता? मर्द क्या कपड़े नहीं धो सकता? How sad. आईना मैं कभी कपड़े नहीं धोऊंगा जैसे पहले कभी धोए हैं। लेकिन इनकी वजह से, मेरे इनकी वजह से। जनाब इस वक्त घड़ी नहीं है मेरे पास, बड़े मसले मसाइल हैं जिंदगी में यार। ओके सो द डील हियर इज कि अगर मैं यहाँ पे एक चॉकलेट खरीदूंगा तो मुझे एक, अभी जो मैंने आपको चीजें दिखाई थी उनमें से एक फ्री मिलेगी। तो आई एम सोल्ड, चॉकलेट हुई हो ना हो आई एम सोल्ड। ठीक है, कराची ईट वी हैव अ प्रीमियम लाउंज एज वेल। मतलब अगर तुम लोगों को प्रीमियम लाउंज में बैठना है तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाते जाके, यहाँ नहीं क्या जरूरत थी। मतलब लोगों के ना शशके खत्म नहीं होते। अच्छा असल बात यह है कि लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मेरे पास प्रीमियम लाउंज का एक्सेस था, तो मैं अंदर बैठा हुआ था और मैं बाहर वालों को कह रहा था अभी के घर में तुमसे खाना नहीं खाया जाता, इतनी उछल कूद में खाना खा रहे हो, ऐसी जगह हो जहाँ तुम लोगों को थोड़ी इज्जत से बुलाया जाए। का मेरा तो ये बड़ा मसला है कि जो चीज मुझे मैसर है वो सबसे अच्छी है, और अगर कोई मुझसे ऊपर है तो वो हराम का खाता है या वो गलत करता है। अच्छा मैं यहाँ देख के ज्यादा बात करूँ, हालांकि मुझे यहाँ देखना चाहिए, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे ना मैं क्यों कर रहा था ऐसे। ये मार्टिन डॉग का स्टॉल लगा हुआ है, पहले मैंने सोचा कोई इंग्लिश किस्म का बर्गर होगा, फिर उसके बाद मैंने जब सेटिंग देखी इनकी तो मुझे ऐसा लगा शायद यहाँ पे करियर काउंसलिंग हो रही है। मैंने कहा चलो किसी अच्छी सी जर्मनी की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करूंगा, पता चला ये बच्चों के विटामिन बेच रहे थे। इतना बड़ा ये इवेंट हो रहा है और इससे हमें एक सबक जरूर मिलता है कि जो चीज़ तरक्की कर रही हो ना उसको हमेशा प्रमोट करना चाहिए, हमेशा उसकी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। जो आगे निकल रहा हो ना उसको आप निकलने दें, चाहे वो आपका पेट ही क्यों ना हो। मेरा अपना छोटा सा फंडा है भाई, जहाँ कम लाइन हो बस वहाँ घुस जाओ, जो भी मिले बिस्मिल्लाह करके खा लो। बड़ी लाइनों में भी इंशाल्लाह जाएंगे, अभी फिलहाल पेट भरो। इस हाथ में इस तरह DSLR उठा के मैं इतना नार्सिसिस्ट लग रहा हूँ ना, लेकिन क्या करूँ,
मुझे वीडियो लाजी बनानी है कि मैंने 2019 में एक वीडियो नहीं बनाई, और अगर मैंने ये भी नहीं बनाई ना तो फिर मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बना सकूंगा, तो इसलिए ये बनानी ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे कितना मज़े का गेम खेल रहे हैं यार। अच्छा ये छोटे बच्चे कहाँ से हैं भाई? मतलब इन्होंने यहाँ एक मंदिर का घंटा भी लगाया हुआ है जो आते आते बजा रहे हैं। मतलब हम लोगों को ना कोई भी चीज़ मिलनी चाहिए, बस कुछ भी हो, सब लगे पड़े हैं इससे। तो ये नीचे एक रश लगा हुआ है, सबको घंटा बजाना है। मतलब कोई वो ही नहीं है, घंटा बजाएंगे, हद हो गई। माशाल्लाह यहाँ के सब के सब मॉडल बने हुए हैं। एक अच्छी दवा लगा दो और रश खुद ही लग जाता है। जो बात है। हर जगह इतनी लंबी लंबी लाइन, ये पता नहीं कितनी दफा मैं कह चुका हूँ, लेकिन एक जगह मुझे लाइन नहीं मिली। यहाँ जाहिर है हेल्थ लिख दिया इन्होंने, तो क्या खाक बहेगा। मैंने जो चीज यहाँ ऑर्डर की है वो आमिर भाई की मोहब्बत ने की है, उसका नाम है चिकन कैसा दिया। देखते हैं वो कैसी है। तो मैं चिकन कैसा दिया खा चुका हूँ और वो बिल्कुल आमिर भाई की शक्ल जैसा था। अपने जोक से मुझे कितनी हंसी आती है। मुझे लग रही है शदीद मिर्चें, और मुझे वो स्टॉल नहीं मिल रहा जहाँ से मैंने सुबह मरिंडा ली थी, और अब वो पता नहीं कहाँ है। अब मुझे स्प्राइट का दिल चाह रहा है, स्प्राइट पीने का ढूंढ रहा हूँ। देखना कितना अच्छा ढूंढ रहा हूँ मैं। अभी मिल जाएगा ना फिर दिखाऊंगा। मिल गया, ये रहा। अब यहाँ से हम पियेंगे 7 अप, और मुझे 7 अप मिल गई। एक हाथ से खोलूं कैसे इसे मैं, एक मिनट, और मुझे 7 अप मिल गई। तो यहाँ मुझे एक नहाई जबरदस्त किस्म की ब्लॉगर मिली जो कि यहाँ पे भागती फिर रही थी अपना ब्लॉग बनाए, तो मैंने उनको रोका और फिर हमने उनसे बात की। और ब्लॉगर तो छोड़े, उनके साथ उनकी मैनेजर इतनी अच्छी है जो ब्लॉगर से ज्यादा एक्साइटेड है, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। Hi, check out my YouTube channel. I sing and I do weird things on my channel. You wanna see me? Come on. Oh yeah, this is my best friend and manager, Alishma Khan. Hi. Alishma Arif Khan. वीडियो है। आप भी राइटर हैं? नहीं। अच्छा हाँ, हमने शूट किया इनके साथ। ओके तो यकीन का समय मैंने तो लिखा था। क्या लिखा था आपने? यकीन का समय मैंने वो कॉपी में लिखा था। कॉपी में लिखा था। Kids look, he is a famous YouTuber and he is selling fries here. So stay in school because there is no future of YouTube. नवीन, अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ऑल गुड, सब ठीक चल रहा है। मैं बच्चों को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि स्टे इन स्कूल। ये देखें यूट्यूबर बेचारे फ्राइज बेच रहे हैं। ये चीज बुरी लगती है, सेलिब्रिटीज बेचारे अपनी सेल्फियां खुद ले रहे हैं। अब ऐसा होगा क्या जनाब? यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है दम का कीमा, तो लेट्स सी इस कीमे में कितना दम है। लग तो बड़ा स्पाइसी रहा। जितनी मेहनत से मैंने एक कैमरा इस तरह करके इसकी वीडियो बनाई है ना, ये गिर जाती है, और मेरे ख्याल में अचीवमेंट यही है कि ये गिरी नहीं। सर बेसिकली ये चैलेंज ये है कि आपको एक मिनट के अंदर 6 पैरी बाइट्स खानी है। अगर आप वो 6 पैरी बाइट्स खा लेते हैं तो आपको वाउचर मिलेगा पराहा का, वहाँ से आप जाके 300 की कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। सर आप क्या करना चाहेंगे ये चैलेंज? फ्री पकौड़े, चैलेंज एक्सेप्टेड। कैन यू फील द बम? यस। 3, 2, 1 स्टार्ट। सर जल्दी, अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं ये सब कंप्लीट। सर इतना स्लो में नहीं होगा, स्पीड में करें थोड़ा। जल्दी, अभी तो बहुत सारे हो सर, अभी आपने काफी खाए हैं। सॉरी, क्या हो गया? हो गया, हो गया। मेरा वो रेजोल्यूशन तो तेल हो गया कि मैंने इस साल बहुत अच्छा और हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि आज तो मैंने माशाल्लाह जो यहाँ पे किया है ना, कुछ तो आपने भी देखा और बहुत सारे खाने हमने नहीं देखे जो मैंने खाए। लेकिन यार एक बात है, खाएं जितना खाएं, लेकिन मेरे ख्याल में अपनी हेल्थ का इतना जरूर ख्याल रखें कि वो कोई सिस्टम डैमेज ना हो जाए। तो अभी मैंने ये चैलेंज लिया, मुझे आज तक लाइफ में कभी हार्ट बर्न ऐसे फील नहीं हुआ था जितना आज मुझे पता चला और इसके बारे में अवेयरनेस मिली।
तो इन ये एक स्टॉल है बहुत ही अच्छा सोशल कॉज के लिए, इनका दिल ना जला के नाम से। मेरे ख्याल में इस हार्ट बर्न की अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए एंड आई हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त एक फन चैलेंज के जरिए हमको बताया कि हार्ट बर्न क्या क्या कॉज कर सकता है। ये इनके दो हैशटैग हैं, कैन यू फील द बर्न और दिल ना जला। तो मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। मेरे ख्याल में हार्ट बर्न की ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है फैलना, तो जरूर इसको चेक कीजिएगा। और ये मेरे होने वाले सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एडिट दिस, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ब्लॉग किया नहीं है और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि वाई आई कांट बी अ ब्लॉगर, तो वो जरूर देखिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसको, हाँ आप क्यों नहीं हो सकते यार उस ब्लॉग में, ब्लॉगर इसलिए नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अहमद। अहमद, मैं अहमद इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि एक जो ब्लॉगर होता है, हाय, वो बहुत टाइम टू टाइम वीडियोस डालते हैं, उसको हर ट्यूजडे को अपलोड करनी है, वेडनेसडे को अपलोड करती है, मैं टाइम फॉलो नहीं कर पाता। अच्छा। तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं रख सकता, जो बंदा वो क्या खाक लॉक करेगा। लेकिन इस साल मैंने सोचा है कि मैं करूंगा। तो ठीक है अहमद, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा यूट्यूब है वकार सिद्दीकी।